ये जो आपका लुक है काफी डिफरेंट है, ये जो फिल्म है काफी डिफरेंट है लाइट कौन बंद कर रहा है कैमरा लुक एक्चुअली ये जो शॉर्ट बाल है यस पिक्चर के लिए हमारा स्केड्यूल एक्चुअली दो हफ्ते के पहले ख़त्म हुआ है. आई कॉन्ट गिव मच इंफॉर्मेशन अबाउट द फिल्म बट आई वॉज शूटिंग विद राहुल बोस एंड तिक्सका चोपड़ा. सो वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर माई न्यू प्रोजेक्ट एंड इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन एंड यस द हेयर इज़ फॉर द फिल्म. No, I can't say. I can't say anything. No, I can't say anything. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छी लगी यार मेरे को. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स द थ्रिल दैट्स देयर इन द फिल्म, द मिस्ट्री दैट्स देयर इन द फिल्म एंड स्पेशली द परफॉर्मेंसेज. आई थिंक एवरीवन परफॉर्म्ड रियली वेल. इट्स इन दैट पूरी जो रियलिस्टिक स्पेस है और जो परफॉर्मेंस और जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर यूज़ करा है, आई थिंक इट्स रियली हुक, मतलब यू गेट हुक्ड ऑन टू द फिल्म एंड जो मिस्ट्री एंड आई लव्ड द एंड. आई कांट एक्चुअली टेल यू कि एंड में क्या होता है बिकॉज वो सारा फ्लेवर खत्म हो जाएगा, बट द एंड एंड ऑल द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द स्टोरीज टुगेदर, आई थिंक इट्स रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड टू मच फन टू वॉच. बहुत अच्छा यार. आई थिंक इट्स बेसिकली हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ एनी फिल्म का, किसी भी फिल्म का जो जोन होता है यार, जो भी मतलब रियलिस्टिक फैक्टर्स होते हैं, बहुत ही नेचुरल लगा. बहुत फ्लोई परफॉर्मेंसेज थी और किसी ऐसे नहीं लग रहा था कि एनीवन इज मेकिंग एफर्ट्स. इट देवर जस्ट दैट
those characters, and it was just flowing with the entire film and the way, you know, they were performing. अभी एक फिल्म है जो हमने खत्म करी थी फ्राइडे करके, जिसमें गोविंदा जी और मैं हैं साथ में, वो आने वाला है. अभी राइट नाउ आई एम शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड अर्जुन पटियाला, जो दिनेश विजन जी की फिल्म है एंड टी सीरीज की है. रोहित जुगराज उनके डायरेक्टर हैं. इट्स गॉट दिलजीत दोसांझ, कृति सैनन एंड मी. तो इट्स अ बडी कॉप फिल्म जो वो 13 सितंबर को रिलीज होगी. तो उसमें अभी उसका शूट चल रहा है. वहाँ भी अरे जर्नलिस्ट का सामना हर जगह सामना होता है. अधूरी है जिंदगी जर्नलिस्ट के बिना, तो ऑब्वियसली सामना तो हो ही गई. और सामना नहीं होता, बातचीत होती है. अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है तो वो होता है. करेक्ट. थैंक यू. पार्ट कि मुझे नहीं लिया गया सुनने, जस्ट किडिंग. बट एक्चुअली द फिल्म इज रियली गुड, आई लव्ड इट. मुझे बहुत मजा आया. मतलब कहते हैं ना, बस देखने का मन कर रहा था बस आगे क्या हो रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि एवरी स्टोरी वॉज अनप्रिडिक्टेबल. मैं मेरे हिसाब से जितना मेरा दिमाग है, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाया अब क्या होगा. दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. एंड यही चीज़ ऑडियंस को बांधे रखता है. सो आई होप 9 मार्च को लोगों को बहुत पसंद आया. मुझे बहुत पसंद आई है. ओके, अगर एक्ट्रेस की अगर बात करिए तो सबसे बेटर काम आपको किसका लगा? हनी, मुझे सबका बहुत काम अच्छा लगा. मेनली मुझे एक, मुझे नाम नहीं पता, बट जो लेडी थी जिनके हस्बैंड उनको बहुत मारते हैं, नाम क्या है? नहीं देखी हमने. हाँ, जो जिनका एक्टिंग, जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका नाम मासूमा, तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. आयशा अहमद हैं एंड अंकित हैं एंड पुलकित. आई लव्ड एवरी वंस पार्ट. सो आई होप बहुत अच्छी फिल्म जाएगी. एंड आई होप 3 स्टोरीज विंस. ओके, आपके अपने प्रोजेक्ट्स की बात करिए तो क्या आने वाला है? मेरे प्रोजेक्ट्स के, यार मैं अभी एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ फॉर अमेजोन प्राइम, जो आजकल बहुत इन है. आई एम डूइंग वेब सीरीज कॉल्ड मेड इन हेवन. इट्स डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू, यू नो, कि जब जल्दी से रिलीज हो. आई एम वेटिंग फॉर इट. एंड आई एम डूइंग एक फिल्म, अभी टाइटल उसका डिसाइड नहीं है. सो जल्द ही वो भी अनाउंस होगा. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में मैं नहीं हूँ. हाँ मैं हूँ नहीं, लेकिन मतलब एक्साइटेड हैं आप? हाँ बिल्कुल एक्साइटेड हूँ मैं. बिल्कुल हाँ, टाइगर है. अब एक, अब 2 टाइगर एक साथ हो नहीं सकते ना, समझ रहे हो आप? सिंह और टाइगर. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको, यही एक्टर्स ना बड़े लालची होते हैं, वो हर फिल्म में मिस करते हैं. काश मैं भी होता. तो हर फिल्म की बात है, ऐसी कोई बात नहीं कि यार उस फिल्म में स्पेशली मिस करूँगा. तो या ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. हाँ जी, कैसी लगी मूवी आपको, इसके बारे में बताइए. मुझे जो उम्मीद नहीं थी कि आई विल कम आउट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस विद सच अ बिग स्माइल. जब यू नो, जब आप ट्रेलर देखते हो और जब आप फर्स्ट हाफ देखते हो तो आपको लगता है कि बहुत इंटेंस है, बहुत इंट्रीगिंग है, सेकेंड हाफ कैसा होगा. लेकिन जब आप सेकेंड हाफ ख़त्म करते हो और बाहर निकलते हो, आपके चेहरे पर एक जेन्यून स्माइल होगी. आई थिंक जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगी इस मूवी के बारे में, दैट इज़ एक्सट्रीमली रियलिस्टिक. सब ने इतनी प्यारी परफॉर्मेंसेज दिए हैं, सब इतने प्यार से लाइक दिखता है उनका. और जब एक फिल्म एक चौल पर बेस्ड होती है, हम सब जानते हैं कि मुंबई की चौल कैसी होती है. सब लिटरली एक दूसरे के घरों में रह रहे होते हैं, सबको ये पता होता है कि एक दूसरे के घर में क्या हो रहा है. तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करी है, बट जब मैं ये देखती हूँ मुझे लगता है कि हाँ यार ऐसे ही होता होगा. ओके, काफ़ी बहुत सारे कलाकार हैं, काफी मंजी हुए कलाकार हैं, तो आपको अगर किसका काम सबसे ज़्यादा बेटर लगा? फॉर मी माई फेवरेट इज़ रेणुका मैम. आई मीन उन्होंने जिस तरह से इस किरदार को निभाया है, जिस तरह से अडेप्ट करा है, चाहे उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, चाहे उनका बॉडी लैंग्वेज था, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से करा है. आप बिलीव नहीं करोगे कि ये वही दीदी हैं हम आपके हैं कौन की, जो यहाँ पर ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं. शी इज़ प्लेइंग अ क्रिश्चियन वुमन एंड आई थिंक एवरीवन हैज़ डन सच अ स्प्लेंडेड जॉब. जो बच्चियाँ हैं मूवी में, उन्होंने बहुत प्यारा काम करा है. तो जब आप ऐसी मूवीज़ देखते हो जहाँ पर द स्टोरी इज़ द विनर, द डायरेक्टर हैज़ बेसिकली, आप देख सकते हो कि एक डायरेक्टर जो है उसने अपने किरदारों को इतनी अच्छी तरह से लिखा है, अपने आर्टिस्ट को समझाया और फिर उन्हें छोड़ दिया कि आपको जो आपके जहन में जो ठीक लगे आप वो करिए. I actually feel jealous that I'm not a part of a film like this. I would love to do something like this. You know, चाहे ensemble cast थी, लेकिन चाहे वो जो भी था, चाहे वो screen पे 5 मिनट के लिए था या 15 मिनट के लिए था, जो impact उन्होंने छोड़ा है वो बहुत ही गहरा है. Secondly, I feel like
इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो टू मेक अ फिल्म लाइक दिस, क्योंकि हम लोग, हमें इतनी आदत है एक मसाला एंटरटेनर देखने की, कई बार इस तरह की मूवीज़ ना बहुत गट्स चाहिए होती है ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए. तो आई थिंक यू नो द फेस ऑफ बॉलीवुड इज चेंजिंग. आई एम सो ग्लैड दिस मूवी इज कमिंग. मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बट मैं एक्चुअली ये दोबारा देख सकती हूँ. आई होप आई गेट टू सी इट अगेन ऑन द डे ऑफ रिलीज. उनको तो मैं सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया है एक साल में. मुझे ऐसा लगता है कि मैं इधर की होकर रह गई हूँ, तो फीलिंग बहुत ही अच्छी है. मैं आज नोटिस कर रही थी, मैंने कहा जब मैं मूवी भी देख रही थी, हमने, मुझे अपना पहला स्क्रीनिंग याद आ गया था, क्योंकि व्हेन दैट वाज एट सनी सुपर साउंड. और इतने इतनी जिंदगियां बनती हैं ना इस जगह में, इट्स नॉट इवन फनी. एंड आई कैन इमेजिन जो भी आज आर्टिस्ट आए थे इस मूवी से रिलेटेड, उन सब के चेहरे पे एक अलग सी खुशी दिख रही थी. तो उनकी खुशी का एक पार्ट बनना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग डील. ओके, यमला पगला दीवाना की थ्री की बात करी है, तो कब तक आने वाले सनी सर के स्टूडियो में खड़े होकर बोल रही हूँ. उसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि आई हैव जस्ट फिनिश शूटिंग, मेरी डबिंग अभी शुरू होगी. तो आई थिंक वो जो सलमान सर वाला गाना है वो अभी शूट हो रहा होगा, तो वो जैसे ही खत्म होता है उसके बाद पोस्ट का काम शुरू हो जाएगा, फिर देखेंगे. ओके, सो आप भी नजर आने वाली है उस गाने के अंदर? आई डोंट नो, अभी तक मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बोलूँ. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. Global Advertiser for Innovative Outdoor Solutions.